जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय माता जरूर लिखें। माता रानी आपके हर मनोरथों को पूर्ण करेगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है कन्या राशि के जीवन में। 14 अप्रैल से दिसंबर के बीच में कौन कौन से सपने हैं जो कन्या राशि वालों के पूरे होने वाले हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ, चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल में गठित कर सकते हैं। कन्या राशि के जीवन में 14 अप्रैल को जो सूर्य ग्रह आपकी राशि छठे भवन में ग्रहण दोष में थे, ये जो व्यापार का भवन है ये और दाम्पत्य जीवन का भवन है, इस भवन में ग्रहण दोष में सूर्य और राहु का योग था। और सूर्य 14 अप्रैल को ग्रहण दोष से मुक्त हो जाएंगे। सूर्य आपकी राशि से अष्टम, जहाँ पर एक अंग है वहाँ पर चले जाएंगे, मेष राशि में, उच्च राशि में चले जाएंगे। और सूर्य उच्च राशि में जाने से आपके लिए थोड़ा मंगल ही मंगल जीवन में होगा। और जो मैंने बड़ी बात लिखी है, जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा है देवक गुरु बृहस्पति। देवक गुरु बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद, 30 अप्रैल के बाद देवक गुरु बृहस्पति आपके भाग्य में चले जाएंगे। और भाग्य में देवक गुरु बृहस्पति जब जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, जो भी आपने तप किया था, जो भी साधनाएं की थी, जो भी त्याग किया था, जो भी आपने परिश्रम किया था, उस परिश्रम का फल मिलेगा। आपके जो भी रुके हुए काम थे वो काम बनेंगे ही बनेंगे ही। भाग्य में बैठ कर के देवक गुरु बृहस्पति पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से देखेंगे। आपकी राशि को पंचम दृष्टि से देखेंगे, प्राक्रम को सप्तम से देखेंगे और संतान भवन को, विद्या भवन को नवम दृष्टि से देखेंगे। देवक गुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं जो केंद्र में बनती हैं। सुख भवन में धनु राशि बनती है, मीन राशि आपके व्यापार भवन, सप्तम भवन में बनती है। तो केंद्र के दो मालिक जाकर, राशियों के मालिक जाकर के भाग्य में बैठे हैं, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है। तो राजयोग बना रहे हैं देवक गुरु बृहस्पति। आपके जीवन में मंगल ही मंगल आपको सुनाई देगा। जो कान आपके तरस गए थे मंगल सुनने के लिए, परेशानियां समाप्त नहीं हो रही थी, रुकावटें समाप्त नहीं हो रही थी, जीवन में कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था, रास्ते सारे बुझे पड़े हुए थे। आपको लगता था कि कभी हमारे जीवन में भी कभी सवेरा होगा, ऐसा कोई चमक होगी, कोई ऐसा संत आएगा, ऐसा कोई ब्राह्मण आएगा या कोई ऐसा रास्ता दिखाएगा जिससे हमारे जीवन की ये दुख कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो वो समय आ चुका है। कन्या राशि जो है मैनेजमेंट की राशि है, पैसे को अच्छी तरह रखना जानती है और मैनेजमेंट जानती है, कब क्या करना चाहिए, कब को कुछ बोलना चाहिए, किस बात को दबाना चाहिए, किस बात को रोकना चाहिए, कि कन्या राशि के अंदर गुण है, विलक्षण गुण कन्या राशि को दे रखा है भगवान ने। तो आपके भाग्य में जब जाएंगे तो पैतृक संपदा से आपको लाभ होगा। धर्म के प्रति सबसे बड़ी बात, रुचि बढ़ेगी आपकी। अगर आप धर्म के प्रति रुचि नहीं बढ़ाएंगे तो आपके काम सब रुक जाएंगे। इसलिए धर्म को आंख बूंद करके आप धर्म के रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, आपको मंगल ही मंगल। और धर्म के कामों में रुकावट पैदा ना करें, धर्म के जो भी रास्ते हैं उनमें कहीं भी विघ्न बाधा पैदा ना करें। कन्या राशि वालों को सबसे बड़ा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपना हाथ आप बंद ना करें। जैसे आप मैनेजमेंट करते हैं तो धर्म के कामों में भी आप मैनेजमेंट करते हैं कि कम पैसा लगे या कम पैसा वहाँ जाए, इसलिए आपने धर्म के काम में भी पैसा थोड़ा छुपाना नहीं है। धर्म के काम में, दान पुण्य में, पैसों में कमी नहीं करना है, देने में कमी नहीं करना। जितना आप धर्म के काम करेंगे तो आपके जीवन में आगे भी चल करके बहुत अच्छा मंगल ही मंगल होगा। और मंगल तभी होगा जब आप धर्म से जुड़ेंगे। पैतृक संपदा से लाभ, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो भी आपका साथ देंगे। सब उदय होंगे जब भाग्य के बृहस्पति होते हैं। 12 सालों में भाग्य के बृहस्पति आते हैं। पूर्व जन्म के आपके जो भी पुण्य होंगे वो सब उदय होंगे और आपका साथ देंगे। आपकी राशि पर दृष्टि पड़ने से ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। आपको पता चल जाएगा कोई मेरे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मेरे लिए चापलूसी करता है या मेरे लिए कोई अच्छा बोलता है, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ने से, ज्ञान की वृद्धि होने से आदमी व्यक्ति के जीवन में समझ जाता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात है। आप अध्ययन करेंगे,
उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। पढ़ाई लिखाई के लिए आप बाहर जा सकते हैं, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। और कन्या राशि वालों के लिए ये साल जो मैंने लिखी हुई तारीखें, इस साल बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता मिलेगी। नौकरियों के लिए भी सफलता आपको प्राप्त होगी। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई भी आप परीक्षा देने जाएंगे, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको सफलता मिलेगी, प्राइवेट सेक्टरों में तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सरकारी क्षेत्रों से भी आपको सफलता मिलेगी। और संतान का योग, कन्या राशि वाले बहुत समय से मुझे कमेंट भी आ रहे थे, गुरुदेव आप बताइए कि हमारा संतति योग कब बने। कन्या राशि वालों का बहुत प्रबल, जिनके ग्रह बहुत अच्छे होंगे, उनका पुत्र संतति का योग बन रहा है, क्योंकि भाग्य के बृहस्पति हैं तो नवम दृष्टि संतान भाव पड़ता है, पड़ने से पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में जो भी विवाद होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले अगर कन्या राशि के बने हुए हैं प्रेम संबंध में या दाम्पत्य जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं निपटने का योग बनता है। भावनाएँ आपकी करुणामय भावनाएँ होनी चाहिए, दयावान भावनाएँ होनी चाहिए, अच्छी भावनाएँ आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपके अंदर नवीनता आएगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपके सहयोगी पार्टनर पड़ोसी बड़े भाई छोटे भाई आपका साथ देंगे, ब्राह्मण के वचन आपके लिए कल्याणकारी होंगे, संत के वचन आपके लिए कल्याणकारी होंगे। नौकरियों में नई नौकरी मिलने का योग है, पुरानी नौकरी से तो परेशान है कि आप नौकरी चेंज करना है तो नौकरी चेंज भी कर सकते हैं, भाग्य के बृहस्पति हैं, इसमें आप जहाँ भी अच्छा चाहते हैं वो अच्छा आपके साथ होगा, नौकरी में चेंज कर सकते हैं, व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। विदेश जाने वालों के लिए बता दूं, विदेश में भी सुखों की वृद्धि होगी, स्वदेश में भी सुखों की वृद्धि होगी। ज़्यादातर ये समय जो भाग्य के बृहस्पति हैं, विदेश जाने का योग तो बनेगा ही बनेगा, विदेश में जो रहते हैं वहाँ भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन स्वदेश में भी विदेश से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं, क्योंकि विदेश जो स्वदेश में सुख भाव में भी देव गुरु बृहस्पति की राशि बनती है, तो स्वदेश में आप विदेश से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र से आपके साथ मंगल ही मंगल होगा, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, नया मकान आप खरीद सकते हैं, आपके बेटे की शादी हो सकती है, कन्या की शादी होने का योग बनता है। संतान संबंधित जो भी परेशानियाँ हैं, बच्चों के संबंधित परेशानियाँ, जिनके बड़े बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित हैं, बच्चों के या करियर को लेकर चिंतित हैं कन्या राशि वाले, वो सब समस्याएं देवक गुरु बृहस्पति अकेले ही समाप्त कर देंगे भाग्य में बैठ करके। ये 12 वर्षों में ऐसा योग आता है, आपके लिए मंगल ही मंगल है, अच्छे काम अवश्य करिए। भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिरों में जाए, दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को संतों को दान पुण्य करें, प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं और पक्षियों को दाना दें। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान जी के दर्शन करने सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी ही सबके संकटों को जल्दी हरते हैं, इसलिए प्रिय दर्शकों हनुमान जी मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, जय माता दी।